तो इसलिए तारों पर बैठे हुए दिखाई देते हैं पक्षी। आज हम पक्षियों को लेकर बात कर रहे, तो आपको ये बता दें कि आपने पक्षियों को अपनी गली, मोहल्ले एवं बिजली के तारों पर बैठे हुए देखा होगा। किंतु आपने कभी ये सोचा है कि ये आखिर इस वजह से तारों पर बैठते हैं? जानकारी के मुताबिक पक्षियों का संरक्षण करने वाली संस्था के एक मैनेजर का कहना है कि कोई शिकारी पक्षी जैसे चील या बाज तारों पर बैठकर अपने शिकार की खोज करते हैं। यदि ये पेड़ पर बैठकर शिकार खोजे तो वृक्षों के पत्तों के कारण ये अपने शिकार को अच्छे से देख नहीं पाते हैं। इसके सिवा अनेक दूसरे पक्षी प्रजनन हेतु लिए दूसरे देशों में जाते हैं, किंतु जाने से पूर्व टेलीफोन तार या फिर बिजली एक तारों पर एकत्रित होते हैं। बता दें कि अनेक पक्षी तो अपने सहवास प्रक्रिया के वक्त तारों पर मिलते हैं, क्योंकि एक पक्षी हेतु साथी पाना काफी दिक्कत भरा कार्य होता है। उसका मुकाबला करने हेतु कई और पक्षी तैयार बैठे होते हैं। साथ ही गाने वाले नर पक्षी बसंत के मौसम में तारों पर बैठकर गीत गाते हैं एवं मादा को लुभाने का प्रयास करते हैं।